सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सभी लोगों की फेवरेट चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाएंगे हम हैदराबादी स्टाइल में। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इसको हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाने वाले हैं। बाजार वगैरह का कोई मसला नहीं है कि आप उस बाज़ार से ये मसाला मंगाएं या कोई स्पेशल आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालें। बहुत सिंपल मेथड से और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से हम हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं। तो इसके का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है चिकन को मैरिनेट करना। तो आइए हम उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको अच्छे से धो के छन्नी में डाल दिया था। और हड्डी वाला ही चिकन लीजिएगा, इसके अंदर यही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर टमाटर नहीं जाते हैं इसलिए थोड़ी दही ज़्यादा ही जाती है। तो 400 ग्राम मैंने ली है दही, 3 थोड़े बड़े साइज़ की प्याज लेके और मैंने इसको बारीक काट के और गोल्डन फ्राई कर लिया है। और ये 1 कप उसी का ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। 2 लेमन का जूस जाएगा इसके अंदर, 6 से 7 हरी मिर्चों को लेके मैंने मिक्सी में दरदरा कूट लिया है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 कप मैंने लिया है बारीक कटा हरा धनिया, 1 कप बारीक कटा पुदीना। हैदराबादी जो बिरयानी होती है इसका ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। उसके अलावा 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। आप होममेड गरम मसाला या रेडीमेड कोई भी ले सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं अपने सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, बारीक कटा पुदीना, बारीक कटा हरा धनिया, ये फ्राइड प्याज। बरसात का मौसम है इस वजह से थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, अगर आपसे हो जाए तो इसको थोड़ा सा क्रश करके डालिएगा। दही, ऑयल और लेमन का जूस, सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से मसलते हुए आपको इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। और इसकी मैरिनेशन जब हो जाएगी, मैरिनेट कर देंगे, तो उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आपके पास बिरयानी बनाने के लिए कितना टाइम है। तो कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रात भर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो आप इसको ज़रूर मैरिनेशन में रखिएगा। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ 2 से 3 घंटे के बाद। हमारा मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन। ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, सभी चीज़ें हमारे चिकन के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो चिकन को हम पहले थोड़ी देर के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेते हैं ताकि जो इसकी स्मेल होती है और जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। तो थोड़ी देर में आपको भून कर दिखाती हूँ। तो चिकन को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है बहुत अच्छे से, ये देख लीजिए आप। तो अगर आपका चिकन ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा क्योंकि अभी हमें चिकन को गलाना है। लेकिन मेरा चिकन अभी ड्राई नहीं है, दही ने और चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ा है। तो बस मैं अभी इसको कवर करके और लो फ्लेम पर पकाती हूँ जब तक कि चिकन जो है अच्छे से गल नहीं जाता। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है और जितना भी चिकन का एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने थोड़ी देर इसको खोल कर पकाया है, तो उससे वो भी ड्राई हो गया है। और अब हमारा चिकन रेडी हो गया है और मसाला देखिए कितना अच्छा सा ये भुन गया है। तो ये तैयार है, इसको अब हम एक साइड में रखते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको चावल।
तो चिकन हमारा रेडी है, अब हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक तरफ भगोने के अंदर 4 से 5 लीटर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने लिए हैं चावल। तो चावलों की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, आप अपनी पसंद के हिसाब से चावलों की क्वांटिटी ले सकते हैं। तो 1.5 किलो चिकन में मैंने 800 ग्राम के करीब चावल लिए हैं और ये वाइट बासमती राइस है या फिर आप कह सकते हैं कच्चे चावल हैं। और इनको मैंने अच्छे से धो के 25 मिनट के लिए या तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। तो कप से मेजर करें तो 4.5 कप के करीब हैं ये। तो अब ये पकने के लिए रेडी हैं और जब चावल बॉईल करेंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें और 4 से 5 टेबल स्पून नमक। नमक काफ़ी ज़्यादा जाएगा क्योंकि जब हम इसमें से पानी निथार देंगे तो फिर इसके साथ नमक चला जाएगा। उसके अलावा 1 तेज़पात का पत्ता, 6 से 7 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 हरी इलायची और 1 टीस्पून मैंने लिया है शाहजीरा, भर के शाहजीरा लिया है और हैदराबादी बिरयानी में शाहजीरा ज़रूर जाता है। तो दिखा देती हूँ मैं, ये इसको काला ज़ीरा भी कहते हैं, तो अगर आपको मिल जाए तो कोशिश कीजिएगा यही डालें। तो आइए अब हम अपने चावलों को बॉईल करते हैं। अच्छे से बॉईल आ गया है, इसके अंदर अब हम डाल देते हैं सबसे पहले अपने खड़े गरम मसाले, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ये नमक, थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी जाता है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि जो हमारे चावल हैं वो खिले खिले रहें, चिपके नहीं। साथ ही में थोड़ा सा इसके अंदर केवड़ा वाटर जाएगा खुशबू के लिए, बस कुछ बूंदे। और इसमें अभी अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर चावल, चावलों को हमें 70% तक कुक करने हैं, 100% नहीं करने हैं क्योंकि अभी हम इनकी लेयर भी लगाएंगे, उसके बाद भी ये पकेंगे। हल्के हाथ से डाल दीजिए, छींटे आ सकती हैं। तो इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेते हैं और बस इसको जब 70% हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे हो गए हैं 70%, तो बस मैं इनको एक छलनी में निकाल देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चिकन और चावल हमारे रेडी हैं, तो अब हम कर लेते हैं फाइनल असेंबलिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है और इसमें डाल देते हैं हम तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और सबसे पहले इसको हम गर्म होने देंगे और इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे राइस की लेयर, बस। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन की लेयर, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। ऊपर फिर से लगाएंगे हम चावलों की लेयर, मैंने थोड़ा सा जो केसर होता है उसको दूध में भिगो के रखा था तो थोड़ा सा मैं इसको डाल देती हूँ ताकि अच्छी सी खुशबू और कलर आ जाए और थोड़ा सा जर्दे का रंग लेके उसको भी मैंने पानी में डाल दिया था तो थोड़ा सा बस ये डाल देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे बस। अब जो हमने प्याज फ्राई की थी तो हमने एक ही टाइम में 4 प्याज फ्राई कर ली थी, 3 हमने चिकन में डाल दी थी, 1 बचा ली थी, तो बस हम उसको डाल देते हैं 1 प्याज को। एक कप हमारे पास है बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना,
जिससे कि हमारी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार हो जाएगी। और एक चुटकी हमारे पास है पिसा हुआ गर्म मसाला, ये भी हम डाल देते हैं, बस एक चुटकी। और इसी तरह से हम फिर से लेयर लगाएंगे। तो अब हमने लगा दी है चिकन की एक लेयर और इसके ऊपर हम लगाएंगे अब चावल की लेयर। फिर वापस जितना भी हमारा चिकन बचा हुआ है अब उसकी लेयर लगा देते हैं हम। डाल देते हैं जितने भी हमारी बची हुई राइस है सभी, मैंने राइस थोड़े कम ही लिए हैं। अब डाल देते हैं हम बचा हुआ ये केसर का दूध। थोड़ा सा फूड कलर, और ये हमारी फ्राइड अनियंस, और हरा धनिया पुदीना, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और ऊपर से इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा देसी घी। बिरयानी कोई भी बनाए जब तक ऊपर से देसी घी ना डालें तो मज़ा ही नहीं आता है। तो बस इसको मैं लगाती हूँ दम पे। अब दम लगाने के लिए हमने लिया है एक कपड़ा, अगर ये नहीं लेना चाहते तो आप फॉइल भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर हम फैला देते हैं। इसके ऊपर रखते हैं हम अपना ढक्कन ताकि बिल्कुल भी इसमें से हवा नहीं निकले, स्टीम नहीं निकले और इसमें अच्छा सा दम आ जाए। अब हम अपनी गैस को ऑन करेंगे। इस तरह का हमने एक तवा ले लिया है, सीधा तवा जिसे या और इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है और इसके ऊपर हम अपना रख देते हैं पतीला और 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि तवा भी गर्म हो जाए और हमारा जो भगोना है उसके अंदर भी स्टीम बन जाए। उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर हम अपनी गैस को बंद कर देंगे लेकिन ढक्कन नहीं खोलेंगे। जब 10 मिनट और हो जाएंगे तो फिर हम अपनी बिरयानी का दम खोलेंगे। तो देखिए तैयार है हमारी शानदार हैदराबादी बिरयानी चिकन में। और बस हल्के हाथ से हम खोल लेते हैं इसका दम, ये देखिए। तो बस मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। तैयार है हमारी हैदराबादी चिकन बिरयानी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है और एकदम आसानी से हमने इसको बनाया है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।